नमस्कार दोस्तों, आपका आरएस नर्सिंग के रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके सामने लेकर आए एमसीक्यू पार्ट 6। हमने पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया है, आप वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। आई होप आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी। हम एक थॉट से शुरुआत करते हैं। जीवन में कभी भी आशा को न छोड़े, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। कि हमको जीवन में कभी भी आशा को नहीं छोड़ना है, जो हमारी उम्मीद है उनको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम यह कभी नहीं जान सकते कि आने वाला कल क्या लाने वाला है, कि पता नहीं हमारा कल सिलेक्शन हो जाए। तो हमें कभी ज़िंदगी में उम्मीदों को नहीं खोना है, हमको डेली कंटिन्यू मेहनत करना है और एक दिन सफलता को पाना है और एक दिन नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्ट होना है। इस थॉट को माइंड में रखते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिल जाए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाई। तो वैक्सीनेशन फर्स्ट किसने परफॉर्म किया था? ए ऑप्शन है जोना सेल्क, बी ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, सी ऑप्शन है लुईस पाश्चर, डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देख के फाइंड आउट करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर बात करते हैं कि जो वैक्सीनेशन फर्स्ट परफॉर्म किसने किया था, वो किया था एडवर्ड जेनर ने, तो बी इज़ द राइट आंसर। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर की बात करते हैं तो ये कौन सी साइंटिस्ट थे? ब्रिटिश फिजिशियन थे। कौन? ब्रिटिश फिजिशियन थे, क्लियर। जिसका जन्म अगर बात करते तो जिसका बॉर्न 1749 के अंदर हुआ था और डेथ हुई थी 1823 के अंदर, क्लियर। इसने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के बारे में बात की। किसके बारे में परफॉर्म किया? स्मॉल पॉक्स की, जो किसके अंदर परफॉर्म किया था? काऊ के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। तो किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस किसकी खोज की थी? बोती की थी पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की कौन सी ईयर है? 1951 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीवेलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ, पॉलीवेलेंट वैक्सीन किससे कंसिस्ट होती है? ए ऑप्शन है मोर स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज, बी ऑप्शन सिंगल ऑर्गेनिज्म, सी ऑप्शन है मोर स्ट्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डी ऑप्शन है सिंगल स्पीसीज। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देख के फाइंड आउट कीजिए कि क्या आंसर राइट होगा। जो आपके सामने क्वेश्चन लाए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो एग्जाम है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फटाफट से आंसर बताइए। पॉलीवेलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ, अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूँ तो करेक्ट आंसर होगा मोर स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज, ए इज द करेक्ट आंसर। जो पॉलीवेलेंट वैक्सीन मीन्स क्या होता है, देखिए पॉलीवेलेंट वैक्सीन, पॉलीवेलेंट वैक्सीन की बात करते हैं, ये क्या करती है? इसमें मैनी नंबर ऑफ स्ट्रेन, इसके अंदर देखिए मैनी नंबर ऑफ, मैनी नंबर ऑफ स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज, ऑफ द सेम स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलीवेलेंट वैक्सीन क्या होती है, कि मैनी नंबर ऑफ स्ट्रेन, जो जिसमें बहुत सारे क्या स्ट्रेन होते हैं, नंबर में बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, किसके अंदर? सेम स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? प्रजाति के अंदर, मतलब सेम प्रजाति के अंदर क्या होते हैं? सेम स्पीसीज होते हैं। इसकी मैनी नंबर ऑफ स्ट्रेन होते हैं सेम स्पीसीज के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए इज द करेक्ट, मोर स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु हैव अंडर स्प्लेक्टोमी शुड रिसीव। एक बच्चा है, उसकी क्या की है? स्प्लेक्टोमी की है, तो उसको कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, रिसीव करनी चाहिए? ये ऑप्शन है हेपेटाइटिस वैक्सीन, बी ऑप्शन है न्यूमोकोकल वैक्सीन, सी ऑप्शन है बीसीजी वैक्सीन, डी ऑप्शन है येलो फीवर वैक्सीन। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन देख के फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए जो बीसीजी वैक्सीन है उसका रूट कौन सा होता है, ये बहुत एग्जाम पूछा हुआ सवाल है,
रूट कौन सा होता है? इंट्रा डर्मल, क्लियर। और किससे प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं? वो लगाते हैं ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा चिल्ड्रन हुव अंडर स्प्लेक्टोमी, स्प्लेक्टोमी की है तो बर्सन को हम कौन सी वैक्सीन देंगे? तो करेक्ट आंसर है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन, बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी वैक्सीन देंगे? न्यूमोकोकल वैक्सीन देंगे। अब देखिए एक पेशेंट को क्या, अब इस पर्सन को क्या है? स्प्लेक्टोमी है। क्या है? स्प्लेक्टोमी, स्प्लेक्टोमी है, क्लियर। तो उस पर अब इसको वैक्सीन हम क्यों देते हैं? क्योंकि डिक्रीज रिस्क ऑफ, डिक्रीज रिस्क ऑफ पोस्ट स्प्लेक्टोमी, पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी सेप्सिस, पोस्ट स्प्लेक्टोमी सेप्सिस, जिसको हम किस नाम जानते हैं? किसके नाम? OPSS, OPSS बोल सकते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन होती है। तो मैंने बात की न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, एक तो वैक्सीन अभी जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, एक तो इस वैक्सीन को दे सकते हैं, क्लियर। देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसको टाइप बी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लियर। एंड नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, इन सारी वैक्सीनों को हम, अगर पर्सन है उसको स्प्लेक्टोमी हुई करनी है तो न्यूमोकोकल वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और निजीरिया मेनिंजाइटिस वैक्सीन दे सकते हैं। क्योंकि उस पेशेंट को क्या है, उस पेशेंट को क्या है किससे प्रिवेंट करने के लिए? उसके पोस्ट स्प्लेक्टोमी सेप्सिस से प्रिवेंट करने के लिए, जो सेप्सिस होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए हम इस वैक्सीन को दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम पूछा क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा, वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन, कि कौन सी जो सारी वैक्सीन है वो PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम कहते हैं PHC पर स्टोर्ड करते हैं। ए ऑप्शन है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम, देन कोल्ड बॉक्सेस। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है। देखो तीन चीज़ पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं सब सेंटर पढ़ते हैं, उसकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। सब सेंटर की पॉपुलेशन कितनी होती है? पॉपुलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, उसकी पॉपुलेशन होती है 3000 से 5000, कितने? 3000 से 5000। देन उसके बाद बात करते हैं PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, उसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो होती है 20,000 to 30,000, 20,000 से 30,000। देन CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं, उसकी पॉपुलेशन होती है 80,000 to 1,20,000, 1,20,000, क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि सारी वैक्सीन को PHC पर स्टोर करते हैं तो किसमें स्टोर करते हैं, क्लियर। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर इसको क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। देखिए हम इसको आई लाइन रेफ्रिजरेटर को हम IL R के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? IL R के नाम से जानते हैं, क्लियर। अब इस बात का उसका टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर की बात करते हैं, उसका टेम्परेचर होता है 2 to 8 degree Celsius, 2 to 8 degree Celsius, क्लियर। एक है वॉक इन कोल्ड रूम, इसको हम WIC नाम से जानते हैं, क्लियर। इस पर जो वैक्सीन है उसको हम स्टेट और रीजनल लेवल पर रखते हैं, किस पर? स्टेट एंड रीजनल लेवल, रीजनल लेवल पर वैक्सीन को स्टोर करते हैं, स्टेट एंड रीजनल लेवल पर, किसके? वॉक इन कोल्ड रूम में, क्लियर।
देन बात करते हैं डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर की बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर होता है -15 डिग्री सेल्सियस टू -25 डिग्री सेल्सियस। इसका इतना टेम्परेचर होता है। इसके अंदर हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वैक्सीन होती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वैक्सीन होती है उनको हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, जो स्टेट लेवल पर जो वैक्सीन होती है उनको इसमें स्टोर करते हैं। किसके अंदर? डीप फ्रीजर के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर किसे करते हैं हम आइस लाइन रिफ्रिजरेटर, जिसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है। कोल्ड रूम का भी टेम्परेचर कितना, सॉरी WIC का भी टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? ए ऑप्शन है 170, 1870, 1974, 1976, 1985। ये ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करते हैं इसको, जो इस प्रोग्राम है इसको किसने लॉन्च किया था, तो WHO ने लॉन्च किया था। किसने किया था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को? WHO ने। कब किया? 1974 के अंदर। तो वी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद इसका बाद में क्या कर दिया? रीनेम्ड कर दिया। तो इसको चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया यूसीआई के नाम से चेंज कर दिया। क्लियर। उसका नाम, इसका यूनिवर्सल चाइल्ड, जिसको हम यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसको रीनेम्ड किसने किया था? वो किया था यूनिसेफ ने। ये इम्पोर्टेंट बात है। किसने सेव किया था? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ की फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछता है। यूनिसेफ फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड। क्लियर। यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, सो कौन सी सन में रिनेम्ड किया गया था? तो ये भी सवाल बनता है। वो बन गया था 1985 के अंदर इसको रिनेम किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हम सारे ऑप्शनों को क्लियर करते चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी डाउट ना रहे। एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूडेड, कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है उसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है? ए ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर, कि जो इम्यूनाइजेशन है वो प्रेग्नेंट मदर के लिए है। देन इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, जो इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है किसके लिए है? 5 साल से कम के बच्चों के लिए, अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन। देन सी ऑप्शन इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन की दोनों के लिए है। डी ऑप्शन है ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन, सारे इम्यूनाइजेशन इसके अंदर आते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देख के फाइंड आउट करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से फाइंड आउट कीजिए। अब बात करते हैं UPI या इसको हम UIP नाम से जानते हैं। क्लियर। ये इसके अंदर इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, ये दोनों के लिए किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन के लिए किया गया था। क्लियर। आगे चलते हैं। हाउ मैनी डिजीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कि हाउ मैनी डिजीज आर वैक्सीनेटेड, कितनी डिजीज को वैक्सीनेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कितनी वैक्सीन को किया जाता है।
तो ए ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। आपको चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है। तो हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। टोटल कितनी होती है 6 वैक्सीन को। अब वो वैक्सीन कौन कौन से होती है सिक्स, जिसको हम सिक्स किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। कौन सी? सिक्स किलर डिजीज। अब वो कौन कौन सी होती है तो पहली बात करते हैं हम, पहली होती है टीबी। कौन सी? ट्यूबरक्लोसिस। पहली हो गई ट्यूबरक्लोसिस। सेकंड होती है पोलियो। थर्ड वो होती है डिप्थीरिया। फोर पर्टुसिस। फाइव टिटनेस। सिक्स मीजल्स। कि सिक्स कलर डिजीज कौन कौन सी है, ये भी एग्जाम में एक्सेप्ट का सवाल बन सकता है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने आपको करवाया। ये टोटल कितने नेशनल मेडिसिन के अनुसार टोटल कितनी वैक्सीनेटेड किया जाता है शेड्यूल में, कितनी है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और मीजल्स, ये सारी वैक्सीन है ये सिक्स किलर डिजीज के अंतर्गत आती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर? तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन, कि जो लास्ट केस है स्मॉल पॉक्स का कब रिपोर्ट किया गया था वर्ल्ड के अंदर। ए ऑप्शन है 1977, बी ऑप्शन है 1978, सी ऑप्शन है 1979, डी ऑप्शन है 1982। ये लास्ट केस का वर्ल्ड के अंदर रिपोर्टेड किया गया था, फटाफट से आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, 1977 के अंदर। कब लास्ट केस कब आया था स्मॉल पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करते हैं हम, तो लास्ट केस कब आया, लास्ट केस, तो लास्ट केस आया था हमारा 26 अक्टूबर 1977 के अंदर, 1977 के अंदर, क्लियर? कहां पर आया था? सोमेलिया, अफ्रीका के अंदर, सोमेलिया या अफ्रीका, जो कहां पर है? अफ्रीका के अंदर आया था, क्लियर? और बात करते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि एग्जाम सवाल इंडिया से बन सकता है, इंडिया के अंदर कब आया था? तो वो आया था 24 मई 1975 के अंदर। कहां पर किया गया? तो कहां पर आया था? बिहार के अंदर। कहां पर आया था? बिहार के अंदर, क्लियर? देन इन अप्रैल के अंदर, अप्रैल 1977 के अंदर इंडिया एंड 8 मई 1980 के अंदर वर्ल्ड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिक्लियर कर दिया गया था, एरिडिकेट कर दिया गया था, एरिडिकेट कर दिया गया था वर्ल्ड से एंड इंडिया से। इंडिया से कब किया गया था? अप्रैल 1977 के अंदर, और 8 मई 1980 के अंदर वर्ल्ड से एरिडिकेट कर दिया गया था। देखिए स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस वर्ल्ड में कब मिला? 26 अक्टूबर 1977 के अंदर। कहाँ पर? सोमलिया, अफ्रीका के अंदर। देन इंडिया 24 मई 1975 बिहार के अंदर, क्लियर? वही एरिडिकेट मतलब डिक्लेयर कब किया गया था कि इसको बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया गया हो कि अब ये किसके केस नहीं है, एरिडिकेट कर दिया गया हो। तो अप्रैल 1977 के अंदर कहाँ पर? इंडिया के अंदर। और 8 मई 1980 के अंदर क्या के वर्ल्ड से अंदर ये इसको एरिडिकेट कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन एरिडिकेट ग्लोबली या डिक्लेयर बाय WHO, कि कौन सी डिजीज है जिसको ग्लोबली एरिडिकेट कर दिया गया है WHO ने। WHO फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
कब डिक्लेयर कर दिया गया था, कौन सी बीमारी है? ये ऑप्शन है पोलियोमेलाइटिस, वुमन मंकी पॉक्स, पॉक्स वायरस, डी ऑप्शन स्मॉल पॉक्स। आप वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तो आप इसका 100% आंसर दे सकते हो। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से इरिटेट कर दिया है, ग्लोबली WHO ने इरिटेटेड कर दिया है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ AEFI की फुल फॉर्म क्या होती है? ये RUHS MSC एंट्रेंस के अंदर पूछा हुआ सवाल 2019 के अंदर कि AEFI की फुल फॉर्म क्या होती है। ए ऑप्शन है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इंजेक्शन, बी ऑप्शन है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, सी ऑप्शन है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इंजेक्शन। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, वी इज द राइट आंसर। कि एडवर्स इफेक्ट एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, कि सिंपल सी बात है, जो इम्यूनाइजेशन करते हैं हम, जो इम्यूनाइजेशन करते हैं उसके बाद पर्सन में जो एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलती है, एडवर्स इफेक्ट या इवेंट्स देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम कि कौन कौन से पेन देखने को मिलेगा। क्लियर? फीवर देखने को मिलता है, कहीं पर रेडनेस देखने को मिलती है, स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, ये सारे सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ वैक्सीन आर अगेंस्ट जापान से एंसेफेलाइटिस, कि कितनी वैक्सीन है जापान से एंसेफेलाइटिस के अगेंस्ट। हाउ मेनी टाइप ऑफ वैक्सीन आर देयर अगेंस्ट जापान से एंसेफेलाइटिस, कि जापान से एंसेफेलाइटिस के अंदर अगेंस्ट कितनी वैक्सीन है। ये ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से बताइए। अगर बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट जापान से इंसेफेलाइटिस, वो होती है 3, सी इज द राइट आंसर। अब कौन कौन सी वैक्सीन होती है जो जापान से इंसेफेलाइटिस के अगेंस्ट होती है, जे ई मीन्स होता है जापान से इंसेफेलाइटिस के क्या होती है, अगेंस्ट होती है। तो पहली ये होती है, वो होती है माउस ब्रेन डेरिव, माउस ब्रेन डेराइव्ड इनएक्टिवेटेड। देन सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, वो सेल कल्चर डेराइव्ड इनएक्टिवेटेड। देन थर्ड, सेल कल्चर लाइव एट्यूनेटेड। ये 3 वैक्सीन होती है जो जापान से इंसेफेलाइटिस के अगेंस्ट होती है। ए ऑप्शन है, ए है माउस ब्रेन डेरिवेटिव इनएक्टिवेटेड, बी है सेल कल्चर डेराइव इनएक्टिवेटेड, डी है सेल कल्चर लाइव एट्यूनेटेड। 3 वैक्सीन होती है जो जापान से इंसेफेलाइटिस के प्रति अगेंस्ट होती है। करेक्ट आंसर होगा हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ, कि सारी वैक्सीन एट बर्थ दी जाती है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के अंदर से कौन सी वैक्सीन एट बर्थ दी जाती है, फटाफट से आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा वैक्सीन के हम सबसे पहले हम कौन से देते हैं, BCG वैक्सीन को देते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, सबसे पहले हम कौन सी वैक्सीन जाती है, BCG वैक्सीन को देते हैं। क्लियर? और जो हमने OPB होता है, OPB एंड हेपेटाइटिस
इनकी हम से क्या देते हैं, जीरो डोज देते हैं। क्या देते हैं इनकी हम, जीरो डोज देते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बीसीजी। आपने आपने नाम सुना होगा, बीसीजी का नाम सुना होगा, बीसीजी एंड मीजल्स, बीसीजी एंड मीजल्स। अगर किसी पेशेंट को एचआईवी है, क्या है एचआईवी या एड्स है, तो उसके अंदर इनको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। जिसका जिस अगर बात करते हैं इसका सीडी फोर, अगर किसी का सीडी फोर काउंट कितना है, एचआईवी के अंदर सीडी फोर काउंट कितना हो जाता है, लेस देन 400 सेल पर एमएमक्यू से कम हो गया, तो उसके अंदर बीसीजी और मीजल्स वैक्सीन को हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ए लाइव वैक्सीन, कि लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है। ए ऑप्शन है बीसीजी, मीजल्स, कोलेरा, और डी ऑप्शन है ए एंड बी। फटाफट से आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉरी, इस क्वेश्चन के अंदर ये बीसीजी को हम जो येलो फीवर होता है, सॉरी येलो फीवर होता है, हम उसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। येलो फीवर को हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर बीसीजी मिस्टेक हो गया। तो करेक्ट आंसर, तो बीसीजी हम येलो फीवर के, येलो फीवर के अंदर, येलो फीवर वैक्सीन को हम एचआईवी एड्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, क्लियर। तो कौन सी वैक्सीन एड पर दी जाती है, बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ए लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है। ये ऑप्शन बीसीजी, मीजल्स, कोलेरा एंड डी ऑप्शन है ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर होगा वो डी, बीसीजी एंड मीजल्स। ये दो वैक्सीन कौन सी है, लाइव वैक्सीन होती है। देखिए बीसीजी को हम कब देते हैं, एट बार देते हैं। देन मीजल्स को हम कब देते हैं, हम देते हैं 9 मंथ पे, क्लियर। मीजल्स को देते हैं हम 9 मंथ पे देते हैं। मीजल्स के साथ एक वैक्सीन दी जाती है, उस वैक्सीन का नाम क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए भी हम कब देते हैं, 9 मंथ पे देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। अब बात करते हैं कि कौन सी लाइव वैक्सीन होती है, कौन सी किल्ड वैक्सीन होती है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, आज हम उसको क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन, लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन और टॉक्सॉइड, क्लियर। तो बात करते हैं लाइव के अंदर, बीसीजी होती है, टाइफाइड ओरल होता है, क्लियर। ओरल पोलियो, येलो फीवर और मीजल्स, रुबेला, मम्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एपिडेमिक टाइफस, ये सारी वैक्सीन कौन सी होती है, लाइव वैक्सीन होती है। बीसीजी होता है लाइव, टाइफाइड ओरल वाला होता है, याद रखना। ओरल पोलियो, ओरल पोलियो होती है, क्लियर। जो आईपीवी होती है वो किल्ड होती है, ओरल पोलियो को हम साबिन नाम से जानते हैं, क्लियर। येलो फीवर होता है, मीजल्स होता है, रुबेला होता है, मम्स होता है, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एपिडेमिक टाइफस, क्लियर। देन जो जो टाइफाइड है, टाइफाइड है, टाइफाइड नॉर्मल टाइफाइड हम किल्ड होता है, कोलेरा, पर्टुसिस, सी एस मैनेजाइटिस, प्लेग, रेबीज, साग, जो साग होती है वो उसको हम आईपीवी नाम जानते हैं, और जो ओरल होती है उसको हम साबिन नाम जानते हैं, इसको हम किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी और ए, जापान से एंसेफेलाइटिस, केएफडी, ये सारी वैक्सीन कैसी होती है, किल्ड वैक्सीन होती है। और जो डिप्थीरिया टिटनेस है वो कैसे टॉक्सॉइड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि वो कोई डाउट ना रहे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए इसके, क्योंकि एक दीवार के सहारे आप दीवार के किनारे चिपका लीजिए, एक क्वेश्चन 100% आता है इनमें से, हर एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक पेज आपका एक नंबर पक्का, क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा बीसीजी एंड मीजल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइव वैक्सीन कौन सी होती है, किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है। आगे चलते हैं, इंटरवेल बिटवीन टू डोजेज ऑफ डीपीटी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी शुड नॉट लेस देन, कि इंटरवेल बिटवीन टू डोजेज ऑफ डीपीटी, डीपीटी की टू दो डोज के बीच, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस के दो डोज के बीच
कितने से कम का गैप नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। अब आपको चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है। तो इंटरवल कितने से कम नहीं होना चाहिए, मोर नहीं होना चाहिए 4 वीक से। डी इज द राइट आंसर। 4 वीक बात कर सकते हैं या फिर हम 1 मंथ की बात कर सकते हैं कि 1 महीने से कम का क्या नहीं होना चाहिए, जो टाइम है वो एक महीने से कम का नहीं होना चाहिए। लेस देन, नॉट लेस देन, 1 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, अपने नर्सिंग ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। क्लियर? और जो हमारे आरएस नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑफलाइन क्लासेज है, वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर एक और नंबर है 9649848848 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्लियर? और आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर डेली रेगुलर क्लास चलती है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।